तो कैसे हो गाइस, मेरे को पता है आप में से बहुत कम बंदों के हेडशॉट लगते हैं, क्योंकि गाइस उनके पास ना तो एक अच्छा डिवाइस होता है और ना ही एक अच्छी गन की स्किन होती है जिससे वो हेडशॉट मार सके। पर गाइस इस वीडियो के बाद है ना आपके हेडशॉट लगने वाले, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक दूंगा ना, आप भी बोलोगे वाह भाई मजा आएगा। और आपके पास गन की स्किन हो या ना हो, जब भी आपके हेडशॉट लगने वाले, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो गाइस जितनी आपकी कम एक्यूरेसी रहेगी ना, उतने आपके हेडशॉट इतने ज़्यादा लगने वाले, तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी को कम करना पड़ेगा। तो गाइस आप फायर इस तरह से करते हो कि सामने वाले बंदे को गोली लगी नहीं पाती, मतलब लगती तो बहुत कम लगती है, उससे ज़्यादा गोली आपकी बिखर जाती है, तो उससे उसी की वजह से आपके हेडशॉट नहीं लग पाते। तो यहाँ पर फायर इस तरह से करते हो कि आपका जो एम है ना इतना बड़ा हो जाता है, तो इसको एम को आपको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप वेपन स्विच बटन का इस्तेमाल करते हो ना, उसी से आप इसको कम कर सकते हो। अगर आप मतलब टू फिंगर हो और गाइस यहाँ पर आप मतलब गन को एक्सचेंज करते हो ना, वहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर आपका मतलब वेपन स्विच बटन इधर हो या इधर हो, कोई दिक्कत नहीं गाइस, आपको जो एक्यूरेसी है उसको कम करना है। जितनी कम रहेगी ना आपकी एक्यूरेसी, उतने ज़्यादा आपके हेडशॉट लगने वाले हैं। यहाँ पर तो हो गए गाइस एक्यूरेसी की बात। और कई गाइस आपने कभी नोटिस किया आपके बंदे की साइज मतलब शॉर्ट रेंज में कितनी होती है, और गाइस अगर आप लॉन्ग रेंज में जाते हो तो बंदे की साइज कितनी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि शॉर्ट रेंज में कितनी साइज रहती है और लॉन्ग रेंज में कितनी साइज होती है। तो गाइस यहाँ पर हम बात करें लेफ्ट और राइट साइड की ओर, तो आपको डायरेक्ट मतलब फायर की साइड करना है, आपने डायरेक्ट फायर को किस साइड की ओर ले जाना है। तो यहाँ पर समझो गाइस मेरे साइड इस साइड बंदा है, तो मैं इस साइड ही फायर करूँगा, मतलब कि उसको हेडशॉट लगने के चांसेस इतने बढ़ेंगे। अगर मैं लेफ्ट मतलब उल्टी साइड सेट करूँगा तो मेरे हेडशॉट नहीं पड़ने वाले। तो आपको जिधर बंदा रहता है ना उस तरफ आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि गाइस उससे आपके हेडशॉट लगने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आपके सामने बंदा आ जाता है ना, तो गाइस आपको मैंने सीधे फायर करना है, जिससे वो है ना गाइस बंदा तो खड़ा है, यहाँ पर देखो बंदा तो खड़ा, मैंने सीधा फायर करा क्योंकि उसको हेडशॉट लगा है। और गाइस सामने वाला बंदा खड़ा रहेगा तो उसको मतलब 99% हेडशॉट लगने वाला है। तो यहाँ पर तो हो गई हमारी लेफ्ट राइट साइड मतलब फायर की बटन की। और गाइस यहाँ पर कभी आपने नोटिस किया है आपका जो डायरेक्ट फायर है ना, आपको कितना फायर करना और कितना कम फायर करना है, ये आपने देखा ही नहीं, कभी नोटिस ही नहीं किया है? क्योंकि गाइस अगर आपके सामने बंदा आ जाता है ना, तो आपकी सारी टिप्स एंड ट्रिक निकल जाती है, तो ऐसे टाइम पे आपको किस तरह से फायर करना है। तो गाइस अब मानो अगर आपके शॉर्ट रेंज में बंदा है ना, तो आपको डायरेक्ट है ना ज़्यादा फास्ट करना है, क्योंकि उससे ना जो एम है ना गाइस बंदे के हेड पे चिपकने वाला है। अगर लॉन्ग रेंज में बंदा है ना, ज़्यादा लॉन्ग में भी नहीं गाइस, अगर लॉन्ग रेंज में बंदा है ना, तो आपको मीडियम ड्रेक करना है, ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा लो। तो गाइस आपको मीडियम रेंज में फायर करना है, उससे क्या बंदे के हेड लगने वाले। और यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ, मैंने बोला था कि आपको आखिरी में मतलब कि एक कैरेक्टर के बारे में बताऊँगा आपकी एक्यूरेसी कम करता है वो कैरेक्टर। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर मैं इस कैरेक्टर का नाम बता देता हूँ, इस कैरेक्टर का नाम है डीबी कैरेक्टर। और गाइस इसकी जो एबिलिटी है ना बहुत कमाल की है, क्योंकि गाइस जो है ना आपकी एक्यूरेसी है ना 45% कम करता है, और गाइस आपकी 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो गाइस अभी गोल्ड में तो ले लेना, कब क्या पता गिरे ना, कब इसको डायमंड में कर दे। और गाइस यहाँ पर आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ, और गाइस सबसे पहले तो इस कैरेक्टर की एबिलिटी एक बार लगा के देखना। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक सेटिंग बता देता हूँ, इस सेटिंग को मैं भी यूज़ करता हूँ, गाइस शुरू से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग में आ जाना, और सेटिंग में आ जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, वहां पर आपको क्लिक कर देना। और तीसरे नंबर पर आपको कीबोर्ड इनपुट मेथड का ऑप्शन दिखता है, वहां पर क्लिक करके आपको लास्ट में देख लेना पॉइंटर स्पीड का एक नाम है, तो गाइस उस पर क्लिक करके जो आपकी स्पीड है ना आपको इसको कम भी नहीं करना, और गाइस इसको है ना फुल कर देना। इससे होगा क्या गाइस, जो आपकी सेंसिटिव है ना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपके हेडशॉट लगने के चांस है ना और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइस एक बार यूज़ करके देख लेना, एक कैरेक्टर की एबिलिटी भी यूज़ करना, और गाइस इसको तो ऑन करके रखना ही रखना है। तो गाइस आपको एक दो दिन में आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपके हेडशॉट लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी ना एक लाइक का बटन दबा दो, अगर आपके भाई के चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। आखिर में बोला हूँ गाइस इतना तो आप भी कर ही सकते हो। तो गाइस मिलेंगे कोई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।